एक स्थान पर जनार्दन नाम का बनिया रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। मेरे पास कुछ विशेष संपत्ति तो है नहीं, केवल एक मन भारी लोहे की तराजू है। ऐसा करता हूँ, इसे महाजन के पास धरोहर रख देता हूँ, परदेश से वापस आकर ले लूंगा। आओ जनार्दन, आज कैसे आना हुआ? मैं परदेश जा रहा हूँ, ये तराजू आपके पास धरोहर रखने आया हूँ, लौट कर ले लूंगा। जैसा देकर जा रहे हो वैसा ही मिलेगा, बेफिक्र जाओ, शुभ यात्रा। माधोपुर के मशहूर जुलाहे के हाथों से बना कपड़ा ले लो। भगवान की दया से इतना पैसा हो गया है कि अब मैं गांव वापस जाकर आराम से रह सकता हूँ। महाजन जी, मेरा तराजू। तुम बहुत समय में लौटे, वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। जनार्दन समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, आपका नहीं। आप इसकी चिंता न करो, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहा आएगा। हाँ, अच्छा विचार है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। धनदेव, बेटा धनदेव, बेटा जनार्दन स्नान के लिए नदी पर जा रहा है, तुम्हारा भी साथ हो जाएगा, तुम भी उसके साथ स्नान कराओ। जी पिताजी। यहाँ पास में एक गुफा है जिसमें शिवजी का मंदिर है, चलो वहाँ चल के दर्शन कर लेते हैं। जैसी आपकी इच्छा। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, दंड दिलवाऊंगा, मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो, निकालो मुझे यहाँ से, नहीं तो मैं खुद यहाँ से निकलकर तुम्हें सजा दूंगा। कितनी भी कोशिश कर ले, बचकर भाग नहीं पाएगा, न्याय तो होके ही रहेगा। मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वो कहाँ है? उसे तो चील उठा के ले गई। ये कैसे हो सकता है, कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है क्या? अरे यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी एक मन भारी तराजू को नहीं खा सकते ना। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे। ये कैसा बेतुका तर्क है, अब इसका फैसला तो न्याय अधिकारी ही करेंगे। यही सही है, तो फिर चलो राजमहल। धर्माधिकारी जी, इस बनिए ने मेरा लड़का चुराया है। इसका लड़का इसे दे दो। महाराज, उसे तो चील उठा ले गई। क्या कभी चील भी बच्चे को उठा के ले जा सकती है? महाराज, यदि एक मन भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। ये क्या बात हुई, परदेश जाने से पहले मैं अपना एक मन भारी लोहे का तराजू इस महाजन के पास धरोहर रख के गया था, लौट के आया तो ये बोला उसे चूहे खा गए, तो अगर एक मन भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चों को उठाकर ले जा सकती है। बात तो ठीक है। ये कैसे हो सकता है? तुम चूहों के पेट से इसका तराजू ला करके दे दो तो ये चील के पंजों से तुम्हारे बेटे को ला करके दे देगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। शाइनी, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।